morning to all of you. Today we will study about a new chapter, chapter number 3, what is electric potential. हमने first chapter में electric charge की बात की, second chapter हमने electric field का किया, अब हम करते हैं electric potential. हमने electric field find out की अलग अलग point पर अलग अलग surface की वजह से, जिसमें हमने गॉस थ्योरम पढ़ी, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली सिंगल पॉइंट चार्ज पर, सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज, डाइपोल पढ़ा, एक्जियल पर, इक्विटोरियल लाइन पर, टॉर्क निकालना पड़ा, पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाली, वर्क डन हमने फाइंड आउट किया. ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ी है. अब एक नया चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. बड़े इंटरेस्टिंग है और बहुत ईजी भी है. तो चलिए आज देखते हैं इसके बारे में, पोटेंशियल क्या होता है. देखिए, वैसे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन आप थोड़ी बहुत टेंथ क्लास में पढ़ के आए हैं. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताने से पहले पोटेंशियल की बात कर लेते हैं यहाँ पे. ठीक है, पोटेंशियल का मतलब होता है वर्क करना. ठीक है, पोटेंशियल का सीधा सीधा मतलब होता है वर्क. अब किस तरीके से ये पोटेंशियल वर्क से लिंक है, ये हम एक एग्जांपल की सहायता से यहाँ पे पढ़ेंगे. तो जरा देखते हैं. मतलब पोटेंशियल वर्क से लिंक है, मतलब जो बंदा ज्यादा वर्क करेगा उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा. दो बंदे हैं, ठीक है, एक ज्यादा काम करता है, दोनों को मैं 6-6 घंटे देता हूँ, एक 6 घंटे में बहुत ज़्यादा काम कर जाता है, एक 6 घंटे में बहुत स्लोली काम करता है. 6 घंटे वाले बंदे ने जो फास्ट काम किया है, ठीक है, जिस बंदे ने फास्ट काम किया है उसका मैं क्या कहूँगा, उसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू जिसने बहुत ही स्लो काम किया है. तो सीधा सीधा मतलब ये है कि जो ज़्यादा काम करेगा उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, जो कम काम करेगा उसका पोटेंशियल कम होगा. तो पोटेंशियल का सीधा संबंध होता है वर्क से. अब एक एग्जांपल देखते हैं. मान लीजिए ये आपका घर है, मान लीजिए ये आपका घर है और घर के आसपास बहुत सारी शॉप्स है. ठीक, मतलब ऐसी शॉप्स जिसके पास हर एक अलग अलग वैरायटी के मटेरियल उपलब्ध है, यानी आपको जो चीज चाहिए वो इन शॉप्स आपको प्रोवाइड करवा रही हैं अपने घर के आसपास, पीछे वाली गली में, आगे वाली गली में, अपने पड़ोस में, अपने साइड वाले घर में, ऐसी बहुत सारी दुकानें हैं जिसके पास हर तरीके की मटेरियल उपलब्ध है और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, एक दुकान खुली इस तो आपके घर से बहुत ही दूर, बहुत ही दूर, या कह सकते हो कि मार्केट से बहुत ही ज्यादा दूर एक दुकान खुली जिसके पास भी हर एक तरीके की वैरायटी है. जो चीज आपको चाहिए वो इसके पास भी है और जो चीज आपको चाहिए वो इन सारी शॉप्स के पास भी है. तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा आपसे कि पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा, वर्क डन किसका ज्यादा होगा. अब ये बंदा यहां पे बैठा है, अब ना तो अगर मुझे कोई चीज चाहिएगी तो मैं इनके पास जाना पसंद करूंगा या मैं इसके पास जाना पसंद करूंगा या ये आके यहां देना पसंद करेगा, नहीं ना. तो यहां पर वर्कडन बिल्कुल भी नहीं हो रहा, इसका मतलब यहां पर पोटेंशियल बिल्कुल जीरो है, समझ रहे हो मेरी बात. और यहां पर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है क्योंकि यहां पर जब इन्होंने दुकान खोली तो बहुत ज्यादा वर्कडन किया होगा एक मार्केट जमाने में. ठीक है ना, अपनी एक मार्केट जमाने में बहुत ज्यादा वर्क डन किया होगा इन लोगों ने. लेकिन ये बंदा जो आपके घर से बहुत ज्यादा दूर एक दुकान सिचुएट कर रहा है, यहाँ पे तो इसका वर्क डन बिल्कुल जीरो है, ना तो इसके पास कोई जाएगा खरीदने के लिए, समझ रहे हो. तो पोटेंशियल का मतलब होता है लोकेशन से. ठीक है, पोटेंशियल इज द प्रॉपर्टी ऑफ लोकेशन. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लोकेशन से पता चलेगा कि किसकी पोटेंशियल ज्यादा है किसकी पोटेंशियल कम है. घर के आसपास जो दुकानें हैं उनकी पोटेंशियल ज्यादा है,
क्योंकि मैं उनके पास जाके वर्क डन करना चाहूंगा। ये जो शॉप यहाँ पे खुली है, घर से इसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा दूर है, तो यहाँ इसके पास कोई भी बंदा परचेज करने नहीं जाएगा, क्योंकि उसको हर एक चीज अपने आसपास ही प्रोवाइड हो रही है, तो वो क्यों मेहनत करेगा इतनी दूर जाने की, समझ रहे हो? तो यहाँ पे वर्कडन जीरो, यहाँ पे वर्कडन बहुत ज्यादा है। क्यों? अब इसी एग्जाम्पल को मैं चार्ज के रूप में आपको समझाता हूँ। अब आप समझिए पोटेंशियल क्या होता है। अब पोटेंशियल का मतलब तो हो गया वर्कडन करना, कि जो नजदीक होगा उसका पोटेंशियल ज्यादा, जो दूर होगा उसका पोटेंशियल कम, समझ रहे हो? अब जरा देखिए, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक आप पढ़ चुके चार्ज से संबंधित है। तो मान लीजिए यहां पर एक चार्ज है क्यू नाम का, जैसे कि आपका ये घर था, और एक पॉइंट यहां पर है इन्फिनिटी पर, एक पॉइंट यहां पर है इन्फिनिटी पर, जैसे ये शॉप थी यहां पे, बहुत ज्यादा दूर थी इन्फिनिटी पे। अब हमने क्या किया कि इसको यहां से उठा के यहां इस पॉइंट पर लेके आना है, ए पॉइंट पर इसको उठा के यहां लेके आना है। अब जरा सोचिए, जरा ये जो इन्फिनिटी पे जिस चीज को मैं लेके आ रहा हूं ना, वो है एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, और ये भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज मैंने ले रखा है। अब मुझे ये बताइए कि जब मैं इस चार्ज पार्टिकल को यहां पर लेके आ रहा हूं, यानी ये इस दुकान का जो मालिक है वो इस मार्केट में अपनी दुकान खोलना चाह रहा है, यहां पे, यहां से यहां आने की कोशिश कर रहा है, तो सिंपल सी बात है। अब देखिए जरा, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट पर किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेगा, तो आप कहोगे इस डायरेक्शन में, क्यों? क्योंकि आप पढ़ चुके हो कि पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। और ये भी आपको मालूम है कि जिस डायरेक्शन, जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है, वही डायरेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की होती है। मतलब जब ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर आएगा, क्यू नॉट यहां पर आ गया क्यू नॉट, तो ये इसको रिपेल भी इसी डायरेक्शन में करेगा, लेकिन हमें इस चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लेके आना है। तो सिंपल सी बात है, इसको वर्क डन करना पड़ेगा यहां से यहां तक लाने में। समझ में आई बात? समझ में आ रही बात है? आप कुछ क्लियर हो रहा है थोड़ा बहुत? ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं कि एक हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया यहां पे क्यू, एक टेस्ट चार्ज लिया जो कि इन्फिनिटी पर बैठा हुआ है, लेकिन वो आना चाह रहा है एक इस चार्ज की फील्ड के अंदर आना चाह रहा है, यानी ए पॉइंट पर ये चार्ज आना चाह रहा है, लेकिन उसको क्या देखने को मिल रहा है कि जो जिस चार्ज के नजदीक ये चार्ज आना चाह रहा है ना, वो चार्ज इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है, रिपल्सन फोर्स, क्योंकि ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है। तो क्या करना पड़ेगा, इसको एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा यहां से यहां तक आने के लिए, और किसके अपोजिट, इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स के अपोजिट ये चलकर आना चाहेगा। तो ये जो एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ा ना उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट फील्ड के अंदर आने के लिए, यही वर्क डन क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझे? एक बार फिर से देख लेते हैं फटाफट कि एक चार्ज पार्टिकल है, एक बंदा बहुत दूर है, वो मेरे आसपास कहीं आना चाह रहा है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि मैं उसको अपने आसपास आने से रोक रहा हूं, ठीक है, मैं उसको अपोजिट फोर्स लगा रहा हूं दूर जाने के लिए, तो उसे क्या करना पड़ेगा मेरे पास आने के लिए, मेरी फील्ड में आने के लिए एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा, और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वही मेहनत क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अब इसकी जो एक एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है ना, वो उस पर हम आते हैं, और किस तरीके की वो डेफिनेशन हमें देता है देखिए जरा। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज
फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो सिंपल डेफिनेशन, जितनी भी बेसिक हमने अभी तक पढ़ा है उसी बेसिक थ्योरी के आधार पे ये डेफिनेशन बनी है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कि इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट, इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट ए पर लाने के लिए फील्ड के अंदर लेके आना है, ठीक है, तो किसके अगेंस्ट आ रहा है, वो अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, रिपल्सिव फोर्स बाहर की तरफ लगेगी और ये आना चाह रहा है उसके अपोजिट, तो ये जो एक्स्ट्रा वर्क डन वो कर रहा है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, दैट वर्क डन इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें हैं, डिनोटेड बाई वी, तो फॉर्मूला क्या बना यहाँ पे कि वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, किसके ऊपर वर्क डन हो रहे हैं, क्यू नॉट के ऊपर, तो ये मैग्नीट्यूड आ गया पोटेंशियल का, कि वर्क पर यूनिट टेस्ट चार्ज या वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहां से इसकी एसआई यूनिट लिखिए, वर्क होता है जूल, चार्ज होता है कूलम, जूल पर कूलम, और इसी को एक अदर नाम से जाना जाता है, दैट इज वोल्ट, या थोड़े बहुत पढ़ चुके टेंथ में। अब बात आती है इसके डायमेंशनल फॉर्मूला की, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला किस तरीके से बनता है, वर्क डन का आपको पता है वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो जो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला प्लस वन में आपने पढ़ा है m1 L2 t - 2, दैट इज द वर्क डन अपॉन चार्ज, चार्ज का आपने पढ़ा है 80, करंट इंटू टाइम, करंट का एम्पियर, टाइम का टी, तो क्या आपके पास आएगा ये डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L2 t - 3 a - 1, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, कि अगर कोई इन्फिनिटी पे चार्ज है उसको उठा के पर्टिकुलर पॉइंट पर लाना है, और वो पॉइंट कहाँ पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो जो एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ रहा है फोर्स के अगेंस्ट, वही एक्स्ट्रा वर्क डन क्या कहलाएगा, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, SI हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, देखिए यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल था, एक चार्ज पार्टिकल इन्फिनिटी पे था, जो सोप इन्फिनिटी पे थी, अब उसने क्या किया कि इस पॉइंट पर वो आ गई थी, ए पॉइंट पर, और ये पॉइंट ए फील्ड के अंदर ही है, ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, और यही डायरेक्शन किसकी होती है, फोर्स की होती है, जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है वही डायरेक्शन फोर्स की होती है। जब ये टेस्ट चार्ज यहां पर आ चुका था ए पॉइंट पर, तो ए पॉइंट पर आने पर उसकी पोटेंशियल मैंने क्या लिख दी, वी ए, ए पॉइंट पर उसकी पोटेंशियल मैंने क्या लिख दी, वी ए, वर्क डन हो चुका था। अब हमने क्या किया कि ऑलरेडी वो फील्ड के अंदर है लेकिन उसको वो जगह पसंद नहीं आई, तो उसको कहीं दूसरी लोकेशन पसंद आ गई, तो वो थोड़ा सा दूर है, वो लोकेशन है यहां पर बी पॉइंट पर, इस तरफ वो चल के आया और ज्यादा चार्ज के नजदीक आया, मतलब जो दुकान बहुत ज्यादा दूर थी
जंगलों में थी, बहुत शहर से बाहर की तरफ थी, वहां पर पोटेंशियल जीरो था, कोई वर्कडन कोई जाकर परचेज नहीं कर रहा था, वर्कडन जीरो था। वो अब मार्केट में आ चुकी है, लेकिन मार्केट में आने के बावजूद उसको लालच आ गया, और लालच ऐसा आया कि वो और ज्यादा आपके घर के पास आना चाह रही है, ताकि और ज्यादा आपके साथ, आपके घर के साथ वो लिंक कर सके, आप और ज्यादा उससे चीजें परचेज कर सके, उसका फायदा हो सके। तो मुनाफा पाने के चक्कर में वो थोड़ा सा और आगे, उसको एक ऐसी लोकेशन मिल गई, ऐसी दुकान मिल गई जो उसको पसंद आ गई, वो चली कितना डिस्टेंस, अब सोचिए जरा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ एक्स, तो यहाँ से इधर चली है वो अपोजिट डायरेक्शन में, स्मॉल डिस्टेंस। जैसे ए पॉइंट पर पोटेंशियल उसकी वी ए थी, ऐसे ही बी पॉइंट पर पोटेंशियल उसकी वी बी हो जाएगी। क्लियर है ये बातें? ठीक है, अब जरा मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताइए कि VP पर, B पॉइंट पर आने पर उसकी पोटेंशियल ज्यादा है या A पर उसकी पोटेंशियल ज्यादा थी? अब वर्कडन कहाँ ज्यादा होगा? मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में कि जितना चार्ज से दूर रहोगे उतनी पोटेंशियल कम होगी, जैसे जैसे चार्ज के नजदीक आओगे पोटेंशियल धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। तो VB इज ग्रेटर देन VA, ये हमेशा याद रखना, ये मैं प्रूव भी करवा दूंगा अगले डेरिवेशन में कि किस तरीके से पोटेंशियल डिस्टेंस पर वेरी करती है। चलिए अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, सेम वही, यहां से यहां तक आने में भी वर्कडन हुआ है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू एनदर इन द फील्ड, सेम वही, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स। बिल्कुल एज इट इज डेफिनेशन है, सिर्फ एक चीज चेंज हुई है कि जो पहले पॉइंट जो चार्ज इन्फिनिटी पर था वो ऑलरेडी अब की बार कहां पर आ चुका, फील्ड के अंदर ही है, लेकिन फील्ड के अंदर ही कहीं दूसरे पॉइंट पर उसको जाना है, यहां से यहां जाना है, लेकिन अब की बार भी तो वो ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज को बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा है, लेकिन ये अंदर की तरफ जाना चाह रहा है, तो अगेंस्ट वर्क डन हो रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में उसको वर्क डन करना पड़ेगा। अपोजिट डायरेक्शन में वर्क डन करने के लिए, ठीक है, जो अपोजिट डायरेक्शन में रिपल्सिव फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में जो वर्क डन किया उस चार्ज ने, दैट वर्क डन इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू एनदर, फ्रॉम वन पॉइंट टू एनदर इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और वो डिफरेंस कितना आया आपको मालूम है कि बी पॉइंट पर पोटेंशियल ज्यादा है, ए पॉइंट पर पोटेंशियल कम है, तो डिफरेंस कितना आएगा बच्चों? देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं, यहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, वर्कडन हुआ अपॉन टेस्ट चार्ज के ऊपर, वर्कडन हुआ यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, तो उसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, वर्कडन को भी ऐसे लिख सकते हो कि वर्कडन हुआ ए से बी तक की तरफ जाने में, ए से बी तक जब मैं गया तो वर्कडन को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया, डब्ल्यू ए बी, और पोटेंशियल डिफरेंस को वीबी माइनस वी ए, क्योंकि बी इज ग्रेटर देन वी ए, इस तरीके से किया जाता है। ठीक है, अगर मैं इसकी SI यूनिट बताऊं आपको तो सेम वही, जूल अपॉन कूलाम, जूल पर कूलाम ही क्या बन जाता है, वोल्ट, और डायमेंशनल फॉर्मूला भी वही रहेगा जो पहले था, वर्क डन का M1 L2 T-2 और चार्ज का 80, ये आप कर चुके हो पहले, दैट इज द M1 L2 T-3 A-1। ठीक है, ये SI यूनिट हो गई, डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, डेफिनेशन हो गई, ठीक है, और सिंपल मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हो गया, और ये सिंपल से डायग्राम।
तो ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। स्टेप वाइज आपको करना है, फटाफट रिकॉल करवा देते हैं और ख़त्म करते हैं इस लेक्चर को। पहले चार्ज इन्फिनिटी पे था, फील्ड के अंदर लाना था, उठा के लाए, लेकिन जिस तरफ ला रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही है जो उसको रुकावट, उसके बीच में रुकावट बन रही है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स। उसके अगेंस्ट वर्कडन करके जा रहा था, तो जो वर्कडन हुआ इन्फिनिटी से फील्ड के अंदर लाने में, दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि ऑलरेडी वो फील्ड में आ चुका है, फील्ड की जगह उसको पसंद नहीं आई, उसको थोड़ा सा और आगे जाना है, चार्ज की तरफ लेके जाना है, ठीक है। तो दैट वर्क डन इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सो सिंपल, आई होप क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज कंसल्ट विद मी एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।